ये बटर को मिक्स किया है जनाब देसी घी के साथ। थोड़ा सा मैं दूर भी खड़ा होता हूँ क्योंकि हालात ठीक नहीं है। चेक करें जनाब आप, ये चेक करें, उफ, ये कम से कम भी 2.5 से 3 किलो का है और ये भरा हुआ है फ्रूट कॉकटेल से माशाल्लाह से। चीज खाते नहीं है, चीज पीते हैं आप लोग, इतने फैन है चीज के माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। आज है घर पर कुछ अफ्तार पार्टी और इसके लिए प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है, रिकॉर्डिंग से पहले ही शुरू हो चुकी थी, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्डिंग से पहले शुरू हो चुकी थी। और यहाँ पर ये बन रहा है कुछ स्पेशल और इब्राहिम को चखाया जा रहा है कि टेस्ट करके बताए कि आया इसमें मीठा भी खट्टा नमकीन सा भी ठीक है। कैसे यहाँ पे है फ्रूट कॉकटेल और फ्रूट, ओए 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 ओए, चेक करें जनाब आप, ये चेक करें, उफ, ये कम से कम भी 2.5 से 3 किलो का है और ये भरा हुआ है फ्रूट कॉकटेल से माशाल्लाह से। आज तो भाई अखीर जनाब लेवल की अफ्तारी हो रही है। और यहाँ पे भी कुछ लाज़ानिया की आई थिंक शायद चीज़ें बन रही हैं जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन इस टाइम थोड़े से किचन के हालात जो है वो माहौल जो है ना वो साजगार नहीं है। आपको पता है कि अफ्तारी के टाइम बेगम साहब यही बात, अब रोज़ा रख के इतना बंदों की अफ्तार पार्टी करना, इतनी चीज़ें बनाना, तो वो थोड़ी सी जो है ना वो तबीयत खराब हुई होती है। इसलिए अभी हम ज़्यादा नहीं छेड़ते बेगम साहब को, अभी हम चीज़ें दिखा रहे हैं और बाद में ये है कि बेगम साहबा से हम पूछ लेंगे, वो बता भी देंगी। और यहाँ पे ये देखिए ये भी कुछ डाला गया, अभी ये हम पूछते हैं कि क्या है। ये क्या है भाई? बटर। ये डाला है बटर जनाब, और इसके साथ इसमें अभी जाएगा जनाब बटर के साथ देसी घी। ओए होए 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 भाई, आज अखीर है, आज उस्ताद चुप के रखे हैं उस्ताद जी, आज स्पेशल तारी बन रही है लगता है। और ये बटर को मिक्स किया है जनाब देसी घी के साथ, और अभी इसमें मेरे ख्याल में कुछ मैदा या आटा जो है वो जाने लगा है। मतलब मैं आपको चीज़ें इम्पोर्टेंट होने से पहले ही बता रहा हूँ क्या हो रहा है। और ये देखें जनाब, थोड़ा सा मैं दूर भी खड़ा होता हूँ क्योंकि हालात ठीक नहीं है, क्योंकि बेगम साहिबा के चेहरे के तासरात जो हैं वो थोड़े से गुस्से वाले हैं, तो ये ना हो कि ये जो चमचा चल रहा है ये वाला, ये यहाँ पे अभी इसके अंदर मिक्स किया गया है दूध साथ। और ये देखें जनाब, दूध मिक्स होता जा रहा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, ये जहाँ तक मुझे लग रहा है ये लाज़ानिया की जो सास है ना, ठीक है, एक बेगम की सास होती है ना, ठीक है, और एक लाज़ानिया की सास होती है, तो ये वो सास खाने वाली सास जो है ये, तो ये वो सास तैयार हो रही है। और तकरीबन ऑलमोस्ट इसमें इंग्रेडिएंट जो है वो सारे तैयार हो चुके हैं। और हमने बेगम साहिबा से पूछा था कि ये सास ही है, तो उन्होंने कहा जी हाँ जी ये सास ही है। तो हमने उन्होंने ज़्यादा डिटेल में बताना नहीं समझा, तो हमने भी इसी पर इतफाक़ किया कि ठीक है यार, जितना बताया बताया जा रहा है उतना ही उस पर गुजारा इतफाक़ किया जाए। क्यों इब्राहिम साहब, आज थोड़ी सी जो है ना वो मम्मा खत है। और वहाँ पे वो देखें जनाब, वो देखें, वो देखें जनाब, वो देखें फ्रूट कॉकटेल के अंदर जनाब क्रीम मिक्स हो गई है जनाब। ओए होए 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 होए, ये चेक करें उस्ताद जी, आज तो अखीर उसी अफ्तारी है इब्राहिम, आज तो फिर है फुल मज़े मॉल। ओए होए 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 होए, मस्त माहौल थे, मीठे चौल बेगम साहिबा। और बेगम साहिबा हमारे जोक पे थोड़ी थोड़ी हंसती भी हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं हंसती, फ्री करने की कोशिश नहीं कर रही, हमें अपनी लिमिट में रखने की कोशिश कर रही हैं कि ज़्यादा खबर ना हो। और यहाँ पे ये तकरीबन मिक्स हो चुका है। Thank you.
पे ये देखें जनाब, चिकन का जो है वो कीमा हो किस तरह का कुछ चीज़ बनी हुई जो लासानिया के अंदर जा रही है। ओए होए होए होए, आज तो बशीरिया फिर उसी अफ्तारी है। yes. माशाल्लाह से आज काम में चुक के रखे हुए हैं माशाल्लाह बेगम साहबा ने। आज लगता है स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं आज बेगम साहबा की। कोई बहन भाई आ रहे होंगे तभी जारी बात है, इतनी खिदमतें तभी होती हैं भाई आपको पता है। वैसे तो आपको पता है बेगम फिर नहीं तो नहीं करती ना, या तो इनकी अपनी कोई दोस्ती शोस्ती होती हैं या ससुराल में से कोई आ रहा होता तो तभी इस तरह की इतनी जनाब डेडिकेशन के साथ तैयारियां हो रही होती हैं। ये देखे ना जनाब, नीचे पहले चीज की लेयर, ऊपर सॉस, उसके बाद कीमा, वो चिकन का पास्ता टाइप, ऊपर फिर लाजानिया की लेयर्स। ओए होए 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 होए, ये जनाब चेडर चीज। ओए होए 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 होए, आपको मैंने जैसे बताया ना कि आज तो भाई माहौल ही अखीर है ना। आज तो ये देखिए ना, तय दार तय जो है ना वो जनाब चीजें बन रही हैं। ओए होए ये चेक करें, ओए होए ये चेक करें चीज। रोजाना होता ना कसम से ऐसे चक मार जाता इसको। ओए होए चीज के तो फिर हम फैन है ना भाई, चीज खाते नहीं है चीज पीते हैं हम लोग, इतने फैन है चीज के माशाल्लाह। और यहाँ पे चीज को जो है वो कद्दूकश किया जा रहा है और वो फिर गार्निशिंग की जाएगी उसकी, वो जो आपको मैंने चीजें दिखाई हैं उसके ऊपर। आज मैं फुल टाइम कैमरामैन हूँ भाई, फुल टाइम। जैसे एक शेफ लगा होता है ना अपने किचन के अंदर और वो उसकी रिकॉर्डिंग चल रही होती है, तो आज मैं प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बेगम साहबा की जनाब। और ये देखें जनाब, कद्दूकश हो चुका है और ये जनाब ऊपर उसके चीज को किया गया है गार्निशिंग, और उसके बाद दोबारा अगेन वो चिकन वाला जो है वो जो भी पास्ता बना हुआ है उसके ऊपर उसकी दोबारा एक और लेयर लगाई जाएगी, और उसके बाद मेरे ख्याल में अगेन ये वाली जो चीज़ है ये एक और लेयर लगेगी। और ये देखिए, देखा मैंने आपको बोला था ना भाई भी आपका थोड़ा थोड़ा शेफ हो गया यार, बनाना नहीं आता लेकिन आइडिया है, पता है कि क्या इंग्रेडिएंट यूज होते हैं और कैसे होते हैं। तो कभी आए हमारे घर मिल के मैं और आप बनाएंगे, जब बेगम साहिबा ससुराल जाएंगी ना तो फिर मैं और आप मिल के बनाएंगे। ठीक है, और ये जनाब ये गई चीज और होए 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 होए, चीज की एक और लेयर ऊपर जनाब। उफ उफ, और ये देखें जनाब सारी चीज ऊपर डाल दी गई है। अभी तो ये एक डोंगा तैयार हुआ, अभी दूसरा, और ये देखें जनाब ऊपर से सास गई जनाब। ये बेगम तुम्हारी सास है मेरी सास है, है बेगम साहिबा? बेगम साहिबा इस टाइम गुस्से में, इसलिए हम ज्यादा बात करना मुनासिब नहीं समझते। ठीक है, तो इत्तफाक करें इसी पे आप भी मेरे साथ। यहाँ पर तैयारियां जोरों शोरों से जा रही है माशाल्लाह से। नहीं, ये देखे ये पहले डाका पड़ गया जनाब, डाका पड़ गया। अल्लाह देखो ना आते सार डाका पड़ा है ड्राई फ्रूट के ऊपर। जद्दू नहीं करे ना, इसका नहीं रखना। Thank you.
जबरदस्त किस्मत। और फाइनली बेगम साहिबा की शक्ल भी आ गई है। अभी थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हुआ है, मौसम आस्ता सा ठंडा हुआ है, मगरब के टाइम तो टेम्परेचर डाउन हुआ है, वरना हालात खराब थे। लेकिन ये कि डेफिनेटली यार रिगार्ड्स करना चाहिए, हेड्स ऑफ प्यार इनका, कि इस गर्मी में रोज़ा रख के भी इतने सारे बंदों की अफ्तारी करना, माशाल्लाह से अल्लाह पाक इनको इसका अजर अता फरमाए। और यहाँ पे हमारे प्यारे प्यारे से मेहमान आ चुके हैं। फारिया है यहाँ पर, भाईजान है माशाल्लाह से। कितना रोज है फारिया? 6-7। अच्छा वाओ माशाल्लाह से। यहाँ पे भाईजान है आगे हैं, यहाँ पे दानी है। क्या हुआ दानी? तबीयत खराब है भाई दानी की। यहाँ पे हामिद मिनास है और यहाँ पे आपकी होस्ट राना है, यहाँ पे अम्मी है और यहाँ पे हमारी सिस्टर हैं माशाल्लाह से, और इधर बच्चे बैठे हुए हैं, ये देखें, और यहाँ पे ये देखें, ये दोनों मस्तियाँ कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं वे। और अफ्तार का टाइम थोड़ा सा रह गया है, बस इंशाल्लाह बैठते हैं, दुआ करते हैं। जस्ट वेट हो रहे हैं अजान का, और माशाल्लाह से सारे बैठे हुए। अच्छा लग रहा है कि यार अपने जब प्यारे बैठते हैं आपको तो इतना अच्छा लगता है। भाई कैसा गुजरा रमजान? बहुत अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाँ, अभी तो ऐसा ही है। गिनती के दिन रह गए, ऐसा ही माशाल्लाह से पता ही नहीं चला भजन गुजर गए ना, 23 रोजे गुजर गए माशाल्लाह। आज इफ्तारी नहीं थी दफ्तर में? हो सकती है आज थी, फ्राइडे कोई कल थी, 9 दिन थी ना, आज हैट्रिक होती है फिर आज। तो समझे हैट्रिक ही होगी। आपकी तो बल्कि हैट्रिक भी नहीं, वो चौपड़ है, चौथी है। اللهم انی لقسمت و بیک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت و یہ تھا آج کا ویلاگ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ بہت زیادہ میں تھک گئی ہوں یار، آپ کو لگ رہا ہوگا میرے چہرے سے بھی، بس کچن وغیرہ کلین اپ کیا ہے और अब ये कि नमाज वगैरह पढूंगी और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूंगी। तो आपने वीडियो में देखा होगा कि सारा दिन जो है ना वो रोज़ा में जो है बहुत ज़्यादा लगा था, क्योंकि गर्मी ये 3-4 दिनों से ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। जमशेद बार बार मुझे जो है ना वो तंग कर रहे थे, तो मैं से बिल्कुल बोलने नहीं हो रहा था, वीडियो में आपको नज़र भी आ रहा होगा, तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ कि मैं बोल नहीं सकी, मैं कुछ कह नहीं सकी। लेकिन वाकई अब ना सेहत इतनी अच्छी नहीं है, मतलब फिर भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जैसे जैसे डे बाय डे हो रहा है ना, गुजर रहे हैं दिन, इस तरह लग रहा है सेहत डाउन होती जा रही है। तो मुझे आप सब ने अपनी दुआ में याद रखना है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सबको याद रखती हूँ। और इस प्यारे से बाबरकत महीने में जो ख़त्म हो रहा है, अब तो समझें कि चंद घड़ियाँ हैं हमारे पास। मैं आज सुबह एक दर्स सुबह सुन रही थी, उसमें भी वो यही बता रहे थे कि
अब तो हमारे पास बहुत कम लम्हात हैं। अल्लाह ताला इतने प्यारे महीने के सदके हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ कर दे। आप सब ने मुझे अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। फिर एक नए व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।